नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं नजर अब तक की सबसे बड़ी खबर। भीषण गर्मी के बाद भी नगर पालिका क्षेत्र में निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई है, जिस पर भाजपा युवा नेता वार्ड 5 के पार्षद आनंद कुमार परियानी ने नगर पंचायत सीएमओ और अध्यक्ष को ज्ञापन सौंप कर जल्द कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। शहर के सार्वजनिक स्थलों में प्याऊ की व्यवस्था न होने से राहगीरों को परेशानी हो रही है। सीएमओ द्वारा जल्दी प्याऊ शुरू करने की बात कही गई। इसके अलावा नगर पालिका क्षेत्र में विकास को लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए। ये भी कहा कि हमने जो वादा किया था वार्ड क्रमांक 5 में चुनाव के पहले, उसमें मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है, शेष अन्य निर्माण कार्य जारी है। विधायक केदारनाथ शुक्ला की तारीफ करते हुए पार्षद श्री परियानी ने आगे कहा कि उनके अथक प्रयास से शहर विकास की ओर अग्रसर है। नल जल योजनाओं के लिए विधायक द्वारा 21 करोड़ का बजट दिलवाया गया था। जल्द ही शहर के हर मोहल्ले घरों में शुद्ध पानी सप्लाई की व्यवस्था होगी। इसी संबंध में नगर पालिका उपाध्यक्ष दान बहादुर सिंह चौहान ने भी बयान दिया है। भीषण गर्मी है, आपने एक बड़ा मुद्दा उठाते हुए एक पार्षद बतौर सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष दोनों को ज्ञापन सौंपे हैं। क्या लगता है कि प्याऊ व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि अभी तक तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द व्यवस्था हो जाए, लेकिन जब व्यवस्था नहीं हुई तो अभी तो मैंने ज्ञापन का रोल अपनाया है, जिसके थ्रू मैंने आज सीएमओ साहब से मिला और नगर पालिका अध्यक्ष से आग्रह किया कि जल्द से जल्द नगर पालिका के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पे निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था की जाए, जिससे वहाँ से राहगीर जो निकलते हैं, जिनको पानी की ज़रूरत है, उन्हें पीने का शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाए। लगभग कितने स्थानों में पानी की जरूरत होती है? क्योंकि ऐसे स्थान चिन्हित करेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन मेरा निवेदन है, जैसे न्यू बस स्टैंड हो गया, पुराना बस स्टैंड हो गया, गांधी चौक हो गया, लालता चौक हो गया, हॉस्पिटल चौक हो गया, इस तरह अगर हम चिन्हित करेंगे तो 25 से 30 स्थान चिन्हित हो जाएंगे जहाँ पे प्याऊ की अति आवश्यक है और स्वच्छ जल मिले, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। आप पार्षद हैं नगर पालिका वार्ड क्रमांक 5 के, हैं वहाँ भी कचरों का अंबार लगा रहता है। आपने कई बार नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सही सभी लोगों को दिखाए भी हैं, क्यों पार नहीं हो पा रही? देखिए क्या होता है कि ये तो नहीं कह सकते पहल नहीं हो रही है, पर जिस तरह से पहल होनी चाहिए उस तरह से पहल नहीं हो रही है। पर हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हमेशा प्रयास करते रहेंगे कि जहाँ पर कचरे का ढेर है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए और उसकी रफ्तार को और तेज किया जाए। नगर पालिका के विकास को लेकर आपकी सोच क्या है? हम तो चाहते हैं हमारा सीधी सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर दिखे, इस ओर हम आगे बढ़ भी रहे हैं। जिसका एक उदाहरण है वार्ड नंबर 5 में जो मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए हम लोग संकल्पित थे, आज हम लोग सब मिल के उस मंदिर के विकास की ओर अग्रसर हैं। दूसरे विकास की ओर बात करें तो गल्ला मंडी की नाली के लिए जो हमने संकल्प लिया था, जो पिछली मीटिंग में वो पास हो चुकी है। भीषण गर्मी है, आपने एक बड़ा मुद्दा उठाते हुए एक पार्षद बतौर सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष दोनों को ज्ञापन सौंपे हैं। क्या लगता है कि प्याऊ व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि अभी तक तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द व्यवस्था हो जाए, लेकिन जब व्यवस्था नहीं हुई तो अभी तो मैंने ज्ञापन का रोल अपनाया है, जिसके थ्रू मैंने आज सीएमओ साहब से मिला और नगर पालिका अध्यक्ष से आग्रह किया कि जल्द से जल्द नगर पालिका के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पे निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था की जाए, जिससे वहाँ से राहगीर जो निकलते हैं, जिनको पानी की ज़रूरत है, उन्हें पीने का शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाए। लगभग कितने स्थानों में पानी की जरूरत होती है? क्योंकि ऐसे स्थान चिन्हित करेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन मेरा निवेदन है, जैसे न्यू बस स्टैंड हो गया, पुराना बस स्टैंड हो गया, गांधी चौक हो गया, लालता चौक हो गया, हॉस्पिटल चौक हो गया, इस तरह अगर हम चिन्हित करेंगे तो 25 से 30 स्थान चिन्हित हो जाएंगे जहाँ पे प्याऊ की अति आवश्यक है और स्वच्छ जल मिले, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। आप पार्षद हैं नगर पालिका वार्ड क्रमांक 5 के, हैं वहाँ भी कचरों का अंबार लगा रहता है। आपने कई बार नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सही सभी लोगों को दिखाए भी हैं, क्यों पार नहीं हो पा रही? देखिए क्या होता है कि
ये तो नहीं कह सकते पहल नहीं हो रही है, पर जिस तरह से पहल होनी चाहिए उस तरह से पहल नहीं हो रही है। पर हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हमेशा प्रयास करते रहेंगे कि जहाँ पर कचरे का ढेर है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए और उसकी रफ्तार को और तेज किया जाए। नगर पालिका के विकास को लेकर आपकी सोच क्या है? हम तो चाहते हैं हमारा सीधी सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा सबसे सुंदर दिखे, इस ओर हम आगे बढ़ भी रहे हैं। जिसका एक उदाहरण है वार्ड नंबर 5 में जो मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए हम लोग संकल्पित थे, आज हम लोग सब मिल के उस मंदिर के विकास की ओर अग्रसर हैं। दूसरे विकास की ओर बात करें तो गल्ला मंडी की नाली के लिए जो हमने संकल्प लिया था जो पिछली मीटिंग में वो पास हो चुकी है। महोदय, प्याऊ की समस्या को लेकर भाजपा के पार्षद ने ज्ञापन सौंपे हैं, भीषण गर्मी के बाद भी प्याऊ सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही, क्या कहेंगे? प्याऊ को लेकर कल हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री मधुसूदन श्रीवास्तव जी से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सर मैं एक दो दिन में चालू करा देता हूँ, अभी तक जो पिछले चिन्हित जगह हैं वहाँ चालू करा दूंगा और उसके बाद फिर जो आप लोगों के द्वारा और मार्गदर्शन मिलेगा वहाँ भी चालू करूँगा। कितने जगहों में जरूरत होनी चाहिए? अभी तो शायद पिछले साल 23 जगह में प्याऊ की व्यवस्था थी और कुछ एरिया और बढ़ जाएंगे।